कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिस बच्चे के बारे में बताने जा रही हूँ, वो 10 भाई बहन थे और उसके पिता की कमाई परिवार के लिए पूरा नहीं होता था, इसलिए उसने न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन उसने न्यूज़पेपर ही क्यों बेचना शुरू किया? ताकि वह न्यूज़पेपर पढ़ भी ले और साथ साथ पैसे भी कमा ले। एक बार क्लास में मैथ्स के टीचर ने कहा, यदि किसी को फ्री में ट्यूशन पढ़ना हो, वह सवेरे सवेरे 4 बजे नहा धोकर मेरे घर पहुंच जाए। वह बच्चा सुबह सुबह नहा धोकर मैथ्स के टीचर के घर पहुंच जाता और टीचर उसे पढ़ाते। अपने घर पर भी वह लाल टेंट से देर रात भर पढ़ता रहता। जानते ये बच्चा कौन था? यह बच्चा बाद में मिसाइल मैन के नाम से फेमस हुआ। जी हाँ, मैं APJ अब्दुल कलाम की बात कर रही हूँ। मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ मिलकर 1979 में SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भेजा, जो कि फेल हो गया। कलाम हताश हो गए क्योंकि पूरे देश की नज़र उन पर थी और फिर उन्हें मीडिया को जवाब भी तो देना था। उनके प्रोफेसर सतीश धवन, जो कि चेयरमैन भी थे, उन्होंने मीडिया को आश्वासन दिया कि हमारी यही टीम 1 साल के बाद मिसाइल लॉन्च करेगी। 1 साल के बाद 1980 में SLV-3 लॉन्च किया गया सक्सेसफुली। पूरे देश में खुशी की लहर थी। मिसेज इंदिरा गांधी कलाम से मिलना चाहती थी। जब यह बात सतीश धवन ने कलाम को बताई तो कलाम ने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से कैसे मिल सकता हूँ? मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं और शूज भी फटे हुए हैं। सतीश धवन ने कहा, तुमने तो सफलता का सूट पहले से ही पहन लिया है, अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं। इसके बाद वो इंदिरा गांधी से मिलने गए। मिसेस इंदिरा गांधी ने उनकी बहुत तारीफ करी। तभी वहाँ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी पहुँच जाते हैं। कलाम मिस्टर वाजपेयी से हाथ मिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ फैलाते हैं, मिस्टर वाजपेयी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। इंडिया गवर्नमेंट ने मिस्टर कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया है। 2002 में APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें प्रेसिडेंट हुए। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और वो बच्चों के सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा खुश रहते थे। तो ऐसे थे APJ अब्दुल कलाम। उनकी उपलब्धियों से हमारे देश का भी सम्मान बढ़ा है। उम्मीद है आप सभी उनसे प्रेरित हुए होंगे। अगले मोटिवेशन इंसिडेंट के साथ मैं फिर आऊंगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।